Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hello दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे YouTube चैनल का नाम है R Language School. दोस्तों, स्पेनिश भाषा में इंटरनेशनल डिप्लोमा जिसका नाम है डेले, जो कि स्पेन की सरकार कराती है पूरे दुनिया में. तो ये एग्ज़ाम हो गया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एग्ज़ाम. इसके 6 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2. जो इसका पहला लेवल होता है, मतलब मंजिल तक पहुँचने के लिए पहला स्टेप जिसका नाम है A1, वो एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए और इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद हम कितने काबिल हो सकते हैं, हमारे अंदर क्या खूबियाँ आ सकती हैं, हम कितना स्पेनिश बोल सकते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कितने मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं इसको पास करने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ. आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी किताब बेस्ट रहेगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वोकैबुलरीज कैसे हम तैयार कर सकते हैं, लिसनिंग की कैसे प्रैक्टिस करें, हर एक चीज़. तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो आगे आने वाली वीडियोस की भी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर है स्पेनिश भाषा को ना सिर्फ सीखने के लिए वीडियोस बल्कि आप स्पेनिश एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आपके सामने लाऊंगा. तो प्लीज़ मुझे अभी फॉलो कर लीजिए मेरे फेसबुक पेज पे भी, इंस्टाग्राम पेज पे भी, ताकि कोई जो रीसेंट अनाउंसमेंट है तो वहाँ पे मैं आपको देता हूँ. और साथ ही साथ मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है? अगर आप मेरे काम को लाइक करोगे तो ऊपर वाला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल सक्सेस पाओगे. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले डेले A1 एग्ज़ाम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कराती है, ये एग्ज़ाम करने के बाद आप कितने काबिल होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ. इनका एक पेज है dele.org, आप वहाँ पे जाएंगे, मैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. तो वो लोग कहते हैं कि डेले A1 इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एक्सेस द स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड, इम्प्रूव देयर एकेडमिक एजुकेशन एंड प्रोवाइड देम विद अ कॉन्फिडेंस टू कंटिन्यू एडवांसिंग टूवर्ड्स मोर एडवांस लेवल. मतलब आपका स्पेनिश से ये इंट्रोडक्शन होता है, ना सिर्फ स्पेनिश से बल्कि स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड से. स्पेनिश आप जानते हैं कि करीब 20 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है और साथ ही साथ आप ये जो आपकी बुनियाद है यही डिसाइड करेगी कि आगे आने वाले लेवल्स की आप तैयारी कैसे करेंगे. दूसरी बात, द डिप्लोमा सर्टिफाइड दैट द स्टूडेंट एबल टू कम्युनिकेट यूजिंग द लैंग्वेज इन अ बेसिक वे इन सिचुएशन हैविंग डू विद इमीडिएट नीड्स और एवरी डे सिचुएशन. जो आपकी इमीडिएट नीड्स होती हैं, एवरी डे सिचुएशंस होती हैं, जैसे पानी कहाँ है ना, वो टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मैं बीमार हूँ, मुझे भूख लगी है, मम्मी आप कैसे हैं, हेलो आप सभी लोग कैसे हैं, आप सभी का स्वागत है, ये सब जो बेसिक सिचुएशंस होती हैं वो आप इस लेवल को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि हाँ मैं ये सब चीज़ें बोल सकता हूँ और कर सकता हूँ, ठीक है? फिर आगे, द डेले A1 इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दैट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम देयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद स्पेनिश एंड इवेलुएट्स देयर लेवल इन स्पेनिश फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर स्टडीज, ठीक है? अब इस स्पेनिश का ये जो एग्ज़ाम है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है ग्रुप 1 और ग्रुप 2. ग्रुप 1 में रीडिंग और राइटिंग स्किल आती है. आप ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है? तो सबसे पहले रीडिंग कम्प्रिहेंशन आता है इसमें. जिस एग्ज़ाम को करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स होते हैं, जिसमें आपको 4 टास्क करने होते हैं. अब देखो, जब आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन कर रहे होगे उस टाइम पे आपको खूब वोकैबुलरीज आनी चाहिए. तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आप अगर A1 लेवल करते हैं तो आपके पास कम से कम मिनिमम से 3,000 से 4,000 या 4,500 वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए. अब ये वोकैबुलरी कहाँ लगोगे, क्योंकि वोकैबुलरी नहीं आती होगी तो तुम सेंटेंस को कम्प्रिहेंस कैसे कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक किताब खरीदनी है जिसका नाम है अउला इंटरनेशनल. अउला इंटरनेशनल सर्वांतेस इंस्टीट्यूट, तो सर्वांतेस भी अपने यहाँ चलाता है, तो उससे बाहर आपकी वोकैबुलरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो आपको अउला इंटरनेशनल अगर आप खरीदते हैं और उसको आप कर लेते हैं, उसकी वोकैबुलरी आप इकट्ठा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, बेसिकली ये किताब जो है पूरी की पूरी स्पेनिश में, हिंदी या इंग्लिश में नहीं मिलेगी, तो आपको ये किताब स्पेनिश में करनी पड़ेगी. रीडिंग करिए रोज़, जो ना समय जो वोकैबुलरी ना आए उसको आप अपने कॉपी में अलग जगह लिख लीजिए और सारी की सारी वोकैबुलरी रट डालिए, ठीक है? और कम्प्रिहेंशन करेंगे तभी जाके, मतलब रीडिंग करेंगे तभी आपका कम्प्रिहेंशन होगा, तभी जाके एग्जाम में सही समय पर आप कर पाएंगे. भाई जितनी तेज़ रीडिंग करोगे उतनी तेज़ दिमाग में ट्रांसलेशन होगा और उतनी जल्दी आप उसका आंसर दे पाओगे. जब रीडिंग ही नहीं अच्छी होगी तो आप कम्प्रिहेंस कैसे करोगे और कैसे जवाब दोगे? तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कम से कम कुछ नहीं तो डेली 30 मिनट या 1 घंटा रीडिंग ज़रूर करनी है. 30 मिनट तो मिनिमम है, मस्ट है, 29 मिनट भी नहीं, 30 मिनट तो पक्का है, ठीक है? तो पहला होगा कम्प्रिहेंशन, ठीक है?
दूसरा हो गया रिटन एक्सप्रेशंस। तो रिटन में आपको 25 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आपको दो टास्क करने होते हैं, जिसमें कहा होता है कि आपको 40 शब्दों में या 30 शब्दों में आपको लिखना है। आप मतलब उन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा कि उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करें, ठीक है? थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक, 40 की जगह 45 लिखो चलेगा, है ना? लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि कॉलेज में जैसे हम लोग कहते हैं दो कॉपी भरा हो तो एग्जाम में पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है, ये अलग एग्जाम है, इसको आप दो दिन पहले पढ़ के पास नहीं कर सकते हो। जो पहले से सीख रखा है वही आपका काम आएगा, ठीक है? राइटिंग वाला भी आप तभी पास कर पाओगे जब आपका कंप्रिहेंशन अच्छा हो, जब आपके पास शब्द शब्द नहीं होगा तो लिखोगे कहाँ से, ठीक है? बेसिक ग्रामर की रही बात है तो बेसिक ग्रामर भी अवला इंटरनेशनल में लास्ट में एक पार्ट होता है जिसमें होता है मास ग्रामातिका, आप उसको पढ़ के पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन पे सारा ग्रामर सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे में है, उसको आप पढ़ के पास कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन में ज्वाइन कर लीजिए, आर लैंग्वेज स्कूल है मेरे एप्लीकेशन का नाम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। A1 लेवल का पूरा ग्रामर और प्रीवियस पेपर दोनों है उसमें, इसको आप करोगे तो जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में फेल होने से पहले 4-5 हज़ार उबाने से अच्छा है पहले ये इस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस पेपर है या मुझसे आप तैयारी कर लो। मैंने करीब 5 सेट उसमें तैयार कर रखे हैं और 5 सेट अगर आप पहले से तैयार करके जाओगे तो उस एग्ज़ाम में आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता, ठीक है? अब हो गया ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आता है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी ओरल। लिसनिंग कैसे इम्प्रूव करोगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? लिसनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे स्पेनिश की ऑडियो सुनो, ठीक है? और स्पेनिश लिसनिंग जो स्पेनिश होती है वो स्पेन की स्पेनिश आप सुनो। आपका हो गया यार स्पेन की स्पेनिश कहाँ से, सॉरी, एक रेडियो गार्डन नाम का एप्लीकेशन आता है जिसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करता है, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो इंस्टॉल कर लो। उसमें मैप में स्पेन के मैप पे जाके मैड्रिड पे रख दो, मैड्रिड में जो भी रेडियो स्टेशन चल रहा होगा वहाँ के गाने और वहाँ के जो रेडियो जॉकीज होंगे वो आपकी स्पेनिश प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। दूसरी चीज़, जो बच्चों के कार्टून होते हैं A1 लेवल के लिए, तो बच्चों के जो कार्टून होते हैं वो तैयार कर लो, वो सुनो, वो जितना सुनोगे सबटाइटल के साथ सीरीज़ देखो, है ना, मनी हीस्ट देखो, कुछ भी देखो, जब वहाँ पे आप देखोगे वो सब चीज़ें तो आपका लिसनिंग अच्छा होगा सबटाइटल के साथ। अब आता है ओरल पार्ट तो मैं बताऊँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हो तो आपका 60% कॉन्फिडेंस लेवल ही आपके साथ जाता है, 40% आप लूज़ कर देते हो क्योंकि एग्ज़ाम में नर्वसनेस आती है, ये बेसिक है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है? ओरल में मैं आपको बताऊं कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स। उसमें आपको क्या करना है कि आपको कम से कम अपना 5 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन याद कर लो। अपना इंट्रोडक्शन, आप कौन है, आपके परिवार में कौन रहता है, आपकी पढ़ाई, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सी जगह आपकी फेवरेट है, ये सब चीज़ें अपना अपने बारे में, ठीक है, ये बताना चाहिए। फिर आप थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करना सीख लीजिए, थर्ड पर्सन अपने मम्मी पापा फ्रेंड टीचर कोई भी बंदा हो जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कि हाँ ये कैसा है, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, वो आपसे क्यों मिला, आप वो आपका अच्छा दोस्त क्यों है, है ना, दिखने में कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कपड़े कैसे पहने हैं उसने, है ना, यही सब चीज़ें खूबियाँ जो उसकी हैं ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फिर आप अपने जगह का ऐसे याद करना सीख लो और किसी भी एक इमेज को आप एक्सप्लेन करना सीख लो कि वो एक्सप्लेन कैसे किया था, और साथ ही साथ आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी तैयार करो। अब जैसे स्पेनिश में कैसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या पसंद है ना, केते गुस्ता, ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या पसंद है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, हैं क्वांटस मेंबर्स इन टू फैमिलिया, है ना। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। जब आप ओरल में क्वेश्चंस और आंसर दोनों का प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है नेटिव स्पीकर। अब नेटिव स्पीकर कहाँ मिलेंगे, तो नेटिव स्पीकर तमाम ऐसे एप्लीकेशन है, हेलो टॉक हो गया, है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, और नहीं तो मैं जो ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ वहाँ पे नेटिव स्पीकर के साथ रेगुलरली आपकी 1 महीने तक खूब इंट्रोडक्शन होते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो स्पेनिश का डेली A1 लेवल का, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ग्रामर जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर आप राइटिंग एग्जाम के प्रिपरेशन करोगे तो कौन आपकी राइटिंग देखेगा, या कौन सुन के बताएगा तुमने ये खराब बोला, ये गलत बोला, ऐसा ऐसा चीज़ें, ये कौन बताएगा? तो ये एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होता है अकेले प्रिपेयर करना, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो। तो मैं आपको अश्योर कराना चाहता हूँ कि आप अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मेरे एप्लीकेशन, मेरे कोर्स को परचेज करते हैं, तो आपकी ये जो कमी है स्पेनिश में, कौन सुनेगा, कौन हमारी गलतियाँ बताएगा, हमें क्या क्या और प्रिपेयर करना चाहिए, हम अभी कितना दूर हैं या हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको बता देगा हाँ भाई अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप रेडी हैं। इससे पहले कि आप इतनी दूर जाएं फिर एग्ज़ाम दें, पैसा दें, वहाँ जाके सब तमाम चीज़ें, वो आपका नहीं होगा, ठीक है? और प्राइस भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। आप वहाँ की प्राइस देख लो, मेरा एप्लीकेशन डाउन कर लो, वहाँ की प्राइस देख लो, ठीक है दोस्तों?
अब आपको बताऊँ मिनिमम जो आपका जो कम्प्रिहेंशन होता है उसमें भी आपको 20 मिनट दे आते हैं और 20 मिनट में आपको चार टास्क करने होते हैं, ठीक है। ओरल या एक्सप्रेशन में आपके पास 15 मिनट होते हैं जिसमें आपको एक बार 2 मिनट बोलने के लिए कहता है, 2 से 3 मिनट, फिर एक बार भी 3 मिनट कहा जाता है बोलने के लिए, फिर एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन होता है, आप उसको डिस्क्राइब करिए इमेज को, ठीक है। आपको एक किसी छोटे से टॉपिक पर एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्वेश्चन भी तैयार करने और आंसर्स भी तैयार करने, ठीक है। तो दोस्तों आप मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं, ये चारों 25-25 नंबर के होते हैं, 25 सुनना मतलब कंप्रिहेंशन, रिटन, ओरल और लिसनिंग, सारे 25 नंबर के होते हैं। तो मिनिमम आप 100 नंबर भी ला सकते हो, मैक्सिमम 100 नंबर भी ला सकते हो, और मिनिमम आपको 30 नंबर लाने होते हैं ईच ग्रुप में। ग्रुप वन में 30, मतलब जो दो पार्ट है रीडिंग और राइटिंग में 30, और आपका स्पीकिंग और ओरल में 30, ठीक है। तो राइटिंग इजी होता है तो राइटिंग में खूब कस के फोकस कर लो, तो हो सकता है अगर मान लो आपका कम्प्रिहेंशन कोई वर्ड हो गया, छूट गया या नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ अगर आपके नंबर कट रहे हो तो ये आपका ऊपर घड़ लेगा, ठीक है। फिर उसके लिसनिंग और स्पीकिंग में भी अच्छा है, तो आप अगर स्पीकिंग मजबूत करते हैं, अगर ओरल आपका ख़राब है तो वो आपको लिफ्टअप कर लेगा, दोनों में 30 नंबर आ सकते हैं, या फिर आप अगर ओरल में थोड़ा वीक है, लिसनिंग आपका अच्छा है, जो सा भी आपका हो, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही मजबूत करिए, है ना। A1 लेवल कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पास कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जब आप ये एग्ज़ाम दे देते हो, 2 महीने पहले डेट्स आती हैं एग्जामिनेशन की, कैसे फॉर्म भरा था तो उसकी वीडियो में मैंने बना रखी है, कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होता है वो भी बता रखा है, और एग्ज़ाम देने के करीब 2-2.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, मिनिमम 45 डेज होते हैं मतलब आना चाहिए, है ना, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। नीचे आपके लिखा होगा आप, तो जिस दिन आप तो आएगा उस दिन आप मिठाई खिलाइए हमको और हम भी आपको मिठाई खिलाएं, आप को मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो वो भी मुझे ज़रूर उसका श्रेय थोड़ा दीजिए, वैसे श्रेय मत दीजिए, मैं श्रेय लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप खुश रहें, आपको मेरी दुआएं लगे, आपका सक्सेस करियर जो भी है वो बहुत अच्छा रहे, अल्लाह आपके काम में बहुत बरकत दे, मेरी यही दुआ आप सभी के लिए। अब अगर आप लोग चाहते हैं मैं 1x1 कुछ एग्जाम के प्रीवियस पेपर जो मेरे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हैं, लेकिन आप चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे मिनिमम एटलीस्ट एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने मैं करके दिखाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस, कुइदाते मुचो, बाय, गुड विशेस फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big, big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.